और एक बार फिर रुक कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव का, जहां लाल डायरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लाल डायरी के पन्नों से हवाइयां उड़ रही हैं। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार भी सामने आ गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मोदी पर अटैक करते हुए कहा है, 48 घंटे CBI हमें दे दीजिए, फिर पीएम को सारे रंग याद आ जाएंगे। लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है इस साल, और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। लाल डायरी के बारे में बोलते रहते हैं, लाओ ना, सरकार तो आपकी केंद्र में, कहां है लाल डायरी, सामने रखो, चलिए चुनौती है ये। हमें तो मालूम है ना किस डायरी में क्या लिखा है, नरेंद्र तोमर का नाम किस डायरी में है, संजीवनी का नाम किस डायरी में, हमें भी मालूम है कौन सी डायरी कहाँ है। सरकार आने दो, आप 7 दिन लीडी मुझे दे दीजिए, हमारे किसी साथी को दे दीजिए, 7 दिन में 2 दिन दे दीजिए, चलिए बता देंगे आपको कौन सी लाल डायरी और कौन सी नीली डायरी, कौन सी पीली डायरी, कौन सी हरी डायरी, सारे रंग याद आ जाएंगे प्रधानमंत्री जी। 48 घंटे ED और CBI हमें दे दीजिए, हम आपको बताते हैं एजेंसियों को कैसे यूज करते हैं।